हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10 की पढ़ाई करेंगे और क्लास 10 में पढ़ेंगे जो सबसे पहला टॉपिक है आपके बुक का मैथ में, उसका नाम है वास्तविक संख्या रियल नंबर्स। वास्तविक संख्या रियल नंबर्स, इसमें एक टॉपिक आपको पढ़ना है जिसका नाम है यूक्लिड एल्गोरिथम से मसल निकालना, या यूक्लिड एल्गोरिथम भी बोलते हैं इसको। यूक्लिड एल्गोरिथम से हम लोग कैसे HCF निकालेंगे, कैसे मसल निकालेंगे वो पढ़ेंगे। इसको जानने से पहले हम क्या पढ़ेंगे ना, देखेंगे ये कि आप लोगों को भागा आता होगा, और भागा में ये भी पता होगा कि जो यहाँ पर आता है उसको हम लोग बोलते हैं भाज, डिविडेंड। जिससे हम लोग भाग करते हैं उसको बोलते हैं भाजक, डिविजन। और जो हमको एंसर आता है उसको बोलते हैं भागफल, कोशंट। और जो कुछ शेष बच जाता है उसको बोलते हैं शेषफल, रिमाइंडर। तो यहां पर हम इसी का यूज करने वाले हैं। उसमें हम लोग ये फॉर्मूला को लेंगे कि भाज बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। ऐसा फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे, भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। तो इसी का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो कैसे यूज करेंगे, देखिए आपको जब इसको बनाना है ऐसा रहेगा, जब भी यूक्लिड एल्गोरिथम से दो ही संख्या का मसल निकाला जा सकता है, दो से अधिक संख्या रहेगा, तीन चार रहेगा तो उसका मसल इसे नहीं निकाल सकते। दो संख्या रहेगा उसको हम लोग यूक्लिड एल्गोरिथम से मसल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पर ये दोनों देखिए छोटा कौन है बड़ा कौन है, ये दोनों बड़ा ये है ना, तो बड़ा ये है तो बड़ा का आपको ये साइड रखना है, ये साइड, और छोटा वाला को आरएचएस साइड। अब कहीं पर क्या कीजिए, इससे इससे भागा कीजिए। देखिए हम भागा करते हैं, इसको इससे भागा कीजिए, कितना का लगेगा, तो पांच वाला लेते हैं, पांच पच्चीस से पांच बजे, पांच छीस बजे दो, पांच पंद्रह, दो पांच वाले यहां पर लग जाएगा, इसको पांच में लगाइए। भागा आपको आता है ना, तो भाग बस कर दीजिए, और घटा दीजिए, ये जीरो, छह में से दो जाएगा चार, तीन में से दो जाएगा एक। तो देखिए हम जानते हैं कि भाजक बराबर भाजक कौन है, भागफल प्लस शेष। यहाँ पर भाजक कौन है, ये ना भाजक, देखिए भाजक जब है ना, तो भाजक लिखा गया यहाँ पर गुण भागफल, भागफल कितना है पांच, यहाँ लिखेंगे भागफल प्लस शेष, शेष कौन है 140। ये देखिए बिल्कुल ये फॉर्मूला पर लगा कि नहीं लगा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। भाज्य यहाँ पर ये वाला है, तो भाज्य वाला यहाँ पर लिखा गया, भाजक का पापा ने ये वाला छोटा वाला भागा देना ये वाला, तो भाजक के जगह पर लिखा गया गुणा भागफल, भागफल ये है, ये लिखा गया प्लस शेष। तो इस तरीके से आपको करते जाना है। अब यहाँ पर अगला स्टेप में क्या करना, यहाँ लिखेंगे एरो, ये वाला है ना, ये वाला आपको इसको यहाँ पर लिख देना है, कहाँ पर, यहाँ पर, जो शेष है उसको कहां पर लिख देना है, यहां पर। मतलब क्या कि ये जो भाजक था वो यहां पर आ गया, और जो यहां पर जो जगह रहेगा ना शेष का वो आ जाएगा यहां पर भाजक की जगह। अब इस बार इससे इसमें भागा करेंगे, इस बार इससे इसमें भागा करेंगे, कीजिए कितना बार लगेगा, दो बार में, या चार, दस में साठ जाएगा दो, ये तो कट गया, यहाँ पांच, ये लग जाएगा एक बार में, यहाँ पांच, चार में से चार जाएगा तो जीरो, दो में से जाएगा तो एक, यानी 105। तो यहां देखिए ये भाजक हो गया गुण है भागफल, भागफल कौन है 21 है ना, तो भागफल का जगह पर यहां हो जाएगा 21 प्लस, यहाँ पर प्लस है ना, प्लस शेष, शेष कितना बचा है 105। फिर से यही नियम, अब यही फिर से वही होगा, यहाँ पर कौन आ जाएगा बताइए आप लोग, ये आ जाएगा यहाँ पर, जिसको यहाँ पर लिखिए 140 हो जाएगा बराबर, यहाँ पर कौन आ जाएगा ये वाला, यहाँ पर आपको 105 लिखना होगा। अब यहाँ 105 से क्या करना है, 140 में डिवाइड करना है, कीजिए 105 से 140 कितना बार में, एक बार रहेगा 105, घटाइए 10 से 5 जाएगा 5, या 3 से जाएगा 3, ये ना, तो भाजक यहां पर लिखा गया भाजक गुण है भागफल, भागफल कितना है एक प्लस शेष, शेष कितना है 35। ऐसा हमेशा करते जाना, कब तक, जब तक यहां पर जीरो ना आ जाए तब तक, यहां पर कोई जीरो लाना है। अब फिर से बताइए यहां पर कौन आ जाएगा 105,
ये वाला यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ये वाला यहाँ पर आ गया। अब 35 इससे भाग देना दीजिए 105 में, तीन बार में आ जाएगा 105 ही कट गया, यानी शेष कितना है जीरो, कट गया ना तो शेष जीरो। तो 35 भाजक कितना गया गुणे भाग पर, भाग पर कितना है तीन प्लस शेष कितना है जीरो। देखिए यहां पर जीरो आ गया, जीरो आ गया तो हम लोग का काम समाप्त बन गया। अब आपको यहां पर लिखना है HCF, या क्या लिखना है HCF या फिर मसल। HCF अब हमेशा आपको यहां पर होगा, ये जो होगा ना यहाँ पर क्या होगा HCF। जब यहाँ पर जीरो आ जाएगा, ध्यान देना ये कि यहाँ पर अगर जीरो आ गया तो जो भाजक होगा, भाजक जब ये ना यहाँ पर क्या हो जाएगा HCF, ये एक रो का HCF कितना आ जाएगा 35। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं यूक्लिड एल्गोरिथम से मसल निकाल सकते हैं। मसल निकालने का और भी बहुत सारा तरीका है जो आप लोग बचपन में पढ़े हो, एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, वो भी आप लोग बचपन में पढ़ चुके हो, एक होता है आपका डिवीजन मेथड, वही बचपन में पढ़ चुके हो, ये क्लास 10 में नया मेथड पढ़ना है यूक्लिड एल्गोरिथम से। तो मेरे आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में क्या करेंगे कोई खास टॉपिक लेके आएंगे जो आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आज के इतना ही, धन्यवाद।